बिल्कुल बिल्कुल, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करना कि हैदराबादी कैसे इमिग्रेशन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी कभी वो टेस्ट करते हैं कि तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो कि नहीं। अभी तो ना सीवीस लेकर आना 100% ओके सीवीस लेके आना है और जो भी अपने डेली नीड्स है। 3 बजे से बाहर होना, 3 बजे से मैंने 3 वेदर देख लिया है। धूप निकली है, बारिश हुई है, फिर से ठंडी हवाएं चली है। कि क्या पढ़ रहे हो, कब आए, किधर से आए, okay. आपका कोर्स का नेम क्या है, वो सब पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, 3 W's वर्क, वुमेन एंड वेदर। गाइस दिस इज योर आईडी बॉय, आई होप सब मस्त हो, मजे में हो। अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पे, भाई मिला था अपना हैदराबाद से, क्या नाम भाई, मोहम्मद वासिम। मोहम्मद अपनी मम्मी से बात कर रहा था और इसने मुझे पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा। वो तो वो बहुत सारी वो शॉर्ट्स भी बहुत लाइक किए लोगों ने, और मतलब देखा, मैंने भी देखा था। तो मतलब तूने सच में पहचाना कैसे मुझे भाई? जैसे कि मैं जब डीमॉन फोर्ट को अप्लाई किया था ना, तो जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि कोई यूट्यूबर मिलेगा यहाँ पे डीमॉन फोर्ट यूनिवर्सिटी का, आपने तो मैंने देखा कि आईडी बॉय कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल मिला था। तो जब से मैं नियरली 6 मंथ से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और कभी इंस्टाग्राम भी देख करता हूँ आपका, तो उसमें थोड़ा बहुत अपडेट्स मिलता है। जैसे कि अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो गए, इंडियन स्टूडेंट्स हो गए, तो उसमें थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है, कैसा सीवीस किधर डालना है, कैसे डालना है, मतलब कैसा मिलना है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स कवर करने का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, पॉइंट होता है कि आप जैसे बच्चे जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको सच में हेल्प मिले। तो बहुत अच्छा लगा कि हेल्प मिली। और मैंने जब वो शॉर्ट्स रीड डाली थी अपनी यूट्यूब पे शॉर्ट्स, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैंने बिरयानी के बारे में पूछा था तो भाई हैदराबाद से आया था इसलिए बिरयानी बोल रहा था मैं, हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है। पर भाई मोहम्मद, आज अभी हम मिले दोबारा, और आपने मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं ये ब्लॉग में, इसलिए बता रहा हूँ, जॉब्स कैसे ढूंढे। अभी 2023 में आप आए हो, कितना टाइम हुआ है? मैं जनवरी को आया था। तो जनवरी 16th और 16 जनवरी को आप आए, क्या पढ़ रहे हो? अभी मैं बिजनेस मैन मैनेजर, मास्टर्स, बैचलर्स, तो फर्स्ट ईयर है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? अभी तक का तो था बहुत टफ है। अच्छा, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं मिला। हाँ, बस थोड़ा बहुत टफ है, थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा मेहनत करूँगा तो अभी शायद मिलेगा। शायद मेहनत तो रुकेंगे नहीं, मिलेगा एकदम, हैदराबाद वाला हमारा भाई। तो अभी आप बोल रहे थे आप जॉब ढूंढने गए हो? हाँ, अभी जॉब से ढूंढने सिटी सेंटर गया था, यहाँ पे हमारा जो भी है पिज़्ज़ा बर्गर जो भी रेस्टोरेंट्स है और बार सब जगह कवर तो किया, सर्विस भी डाली, उन्होंने बताया था। अभी तो क्वाइट है। अच्छा, अभी एज सून एज पॉसिबल खुलेगा शायद। मतलब अगर मैं ये पूछूँ स्टेप बाई स्टेप, जो बच्चे आने वाले हैं मुझे कॉमेंट करते हैं कि जॉब्स कैसे ढूंढे, तो आपने आज क्या किया सुबह से अभी तक, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, अपने दिन के बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज़। अभी तो जैसे कि पहले मैंने तो उठा के सीधा सिटी सेंटर भागा के, भाई हमारा अभी एक न्यू आया था हैदराबाद से, उसको ले लेके, वो भी अभी तो वो भी जॉब के सर्च में है, तो उसी को ले लेके मैं सीधा सिटी सेंटर भागा। उसको भी जॉब की ज़रूरत है, मुझे भी जॉब की ज़रूरत है। वो तो भाई का अभी सीवी नहीं बना। अच्छा, मैंने तो सीवी ऑन मेल पे भी डाली थी और थोड़ा फिजिकल भी दे दिया था थोड़ी जगह, क्योंकि थोड़े लोग बोल रहे थे कि अगर तुम मेल करोगे तो वो नीचे चले जाएगा, मेल हम कोई चेक नहीं करेंगे। मेल, हाँ थोड़ा मतलब मेल भी कर सकते हो, पर फिजिकली भी आप फिजिकली मैंने मैक्सिमम दिया है, मेल बहुत कम किया, क्योंकि तो नीचे चलेगा तो कभी चेक नहीं करेंगे। हाँ, तो वही बता रहा था कि मुझे स्टोर वाला ही बता रहा था सिटी सेंटर में, जो हाई क्रॉस है ना। हाँ, हाई क्रॉस के ऑपोजिट में कुछ न्यूरो केफ जैसा कुछ है वहाँ, नैरो कैफे। तो हाई क्रॉस लेस्टर का सिटी सेंटर है, तो आप वहाँ, क्योंकि आप लेस्टर में पढ़ रहे हो, तो आज आप सीवीज लेकर शॉप्स में गए थे। हाँ। अच्छा, तो कॉफ़ी शॉप में गए, और कहाँ कहाँ गए? अभी पूरे रेस्टोरेंट्स कवर किया, और जो भी बार शॉप्स है, जो भी नूडल्स है, जो भी नूडल्स स्टोर्स जो भी है ना, वहाँ पे सब किया था। KFC में भी गया था, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा, जो भी यहाँ पे है वो सब में कवर किया। तो जब आप सीवीज दे रहे थे जी, हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आपसे वहाँ मैनेजर्स, या क्या कुछ सवाल कर रहे थे आपसे? वो तो कुछ नहीं कह रहे थे, कि बस स्टूडेंट देख के वो समझ ही जा रहे थे कि वो जॉब के लिए आए थे। डायरेक्टली मुझे तो 2-3 लोगों ने कहा कि इट्स क्वाइट नाउ, नो जॉब्स फॉर द स्टूडेंट्स, ऐसा बता रहे थे। इट्स क्वाइट, ओके। फिर आपने क्या किया? फिर हमने तो सीवी तो दे दी, तो कांटेक्ट नंबर भी दे के आया। वेरी गुड। ईमेल भी दे के आया। तो आपने बोला जब भी बिजी हो तो कांटेक्ट कर लेना, कांटेक्ट कर लेना बस। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा पर फिर भी। अब आप अगर ठीक है, जैसे आपने सीवीज दिए, अगर मान लो 1-2 हफ्ते में उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप दोबारा जाओगे? दोबारा तो जाना ही पड़ेगा ना, 100% जाना है, तो मतलब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, 100% जाना है। तो किसी ने और कोई सवाल पूछे आपसे सीवी देते हुए कि आप क्या पढ़ रहे हो, ये सब किसी ने पूछा? वो 1-2 जने पूछे, 2-3 लोग पूछे थे कि क्या पढ़ रहे हो, कब आए, किधर से आए, ओके, और आपका कोर्स का नेम क्या है, वो सब पूछ रहे थे। और थोड़ा डिटेल्स मैंने भी दे दिया उन लोगों को बस। उन्होंने इंग्लिश में बात करी आपसे या? इंग्लिश में बात करी थी, ऑब्वियसली ब्रिटिश लोग थे यहाँ के। ओके, ब्रिटिश थे, तो वो चेक करते हैं कि आप बोल भी सकते हो यार। हाँ, वो भी है। तो जब आप सीवीज लेके जाते हो, जैसे आज हमारा भाई मोहम्मद गया, आप शॉप्स में जाओ, जिस भी सिटी में जा रहे हो, सिटी सेंटर में जाओ, बार बार जाओ,
वो क्या करते हैं, वो आपसे आपका सीवी लेंगे और कुछ लोग दे विल ट्राई टू आस्क यू कि आप क्या पढ़ रहे हो, कब आए हो, उनका सिर्फ इतना सा मोटिव होता है देखने का कि आपको नॉर्मल इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आती है या नहीं। तो अगर बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर आएगा तो हम उसे कैसे बताएंगे 100% तो इंग्लिश आनी ही पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए मिनिमम ऑफ नॉलेज थोड़ा रहना है। बिल्कुल, जब आप इंग्लैंड में तो अंग्रेजी आनी चाहिए। तो कितने शॉप्स में गए हो आज आप ऑन एवरेज? नियरली मैं समझता हूँ 15-20 शॉप्स ऑलरेडी फिर गया। तो 15-20 शॉप आज, 15-20 शॉप्स भाई ने किए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मतलब सीवीज और अभी सीवीज तो नहीं थे, इसीलिए तो मैं ज़्यादा स्टोर्स पे नहीं गया। ओके, तो जितने मेरे पास फिजिकल थे उतने पूरे कवर तो किया ऑलरेडी। ओके, और फिर जितने नहीं थे उससे ज़्यादा भी मैं ऑनलाइन मेल कर दिया ऑलरेडी। फिर उसको फिर उसके पास फिर रिटर्न जाऊंगा मैं फिजिकल देने के लिए, मतलब रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया। और आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे, जो बच्चे भी आने का प्लान कर रहे हैं या सितंबर में आ रहे हैं, क्या वो लेकर आए क्या नहीं लेकर आए, कुछ चीजें जो आपने मिस कर दी हो क्या गाइड करोगे आप, जैसे कि सामान वगैरह या फिर कुछ भी आपकी सलाह? जैसे कि अब तो अकोमोडेशन तो 100% बुक करके आना है, अकोमोडेशन बिना अकोमोडेशन के मत आना। और जो इमिग्रेशन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी वो टेस्ट करते हैं कि तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो कि नहीं, वो भी थोड़ा प्रिपेयर होकर आना, जो कौन सा कोर्स है, एजेंट से अपने अच्छा बात करना। तो इमिग्रेशन पे कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो इमिग्रेशन पे कुछ नहीं हुआ, मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, क्योंकि मेरे पीछे दो लोग थे, दो लड़कियां थे, वो इंडिया के थे। ओके, वो तेलंगाना से थे, तेलंगाना से बिलोंग करते थे। तो वो लोग को प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो लोग क्लियर बात करने नहीं आ रहा था इंग्लिश, उसमें थोड़ा बहुत अटक रहे थे। ओके, तो उसको बाजुक कर लिया उन्होंने, मेरे बाजुक था, मेरे दो गर्ल्स जो थे ना मेरे फ्लाइट में, मेरे बाजुक में थे। अच्छा, तो आपने देखा? मैंने, मेरे फ्रेंड्स बन गए थे वो। अच्छा, क्योंकि फ्रेंड्स बने थे, थोड़ा बहुत दोनों से मैं चर्चा किया था कहाँ से हो, कौन सा कोर्स किधर है वो। हाँ, मैं हीथरो पे उतरा था, लंदन हीथरो पे। ओके, तो वहाँ पे वो लंदन में ही थे। हाँ, तो वो लोग को बाजुक कर लिया था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरे को तो नहीं मालूम, मैं बाहर चले गया था बस। ओके, तो मतलब जैसे वो मुझसे मिलने, मुझको मिलने नहीं दिए थे वो लोग से उसके बाद, क्योंकि मेरे को एग्जिट में भिजा दिया था, जब मेरा इमिग्रेशन स्टैम्प हो गया तो मैं बाहर निकल गया था और उनको साइड में कर दिया। तो वो कुल मिला के अभी मोहम्मद ने रीसेंट इंसिडेंट बताया इमिग्रेशन के बारे में, लोग पूछते हैं। कुछ घबराने की बात नहीं है, आप लीगल स्टूडेंट्स हो, बट मेक श्योर करो आपको बताओ आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, क्या पढ़ रहे हो। फिर घुमा फिरा के बात वही आती है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपसे वो भी जो भी सवाल पूछेंगे आप जवाब दे सकते हो। तो ये आपके सामने इंसिडेंट हुआ था, वो अटक गए थे मेरे साथ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये लाइव एग्जाम्पल है। और क्या कर सकते हैं बच्चे इमिग्रेशन का, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। इसके अलावा अभी तो ना सीवीस लेकर आना 100%। ओके, सीवीस लेकर आना है और जो भी अपने डेली नीड्स है, जैसे कि यहाँ पे सर्दी तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला था इमिग्रेशन के बाद, इससे मेरे मुंह से फॉग जा रहा था कि मैं परेशान हो रहा, मेरे हाथ ऐसा फ्रीज हो रहा है एकदम, कुल्फी। हाँ, कुल्फी ऐसे तो क्या है वेदर के लिए बहुत, और यहाँ का वेदर खुद भी भरोसा नहीं कर सकते, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंडी हवाएं चलती है, बस जैसे मैं बोलता हूँ तीन W's या बिल्कुल बिल्कुल 3 W's, वर्क, वुमेन एंड वेदर। नहीं, ये तो एक मजाक वाली बात है, पर हाँ वेदर बहुत ज्यादा, मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट वेदर। अभी बारिश हो रही है फिर वो हो जाता है, इतनी सारी रील्स मैंने जब से 3 बजे से बाहर हूँ ना, 3 बजे से मैंने 3 weathers देख लिया है, धूप निकली है, बारिश हुई है, फिर से ठंडी हवाएं चली है। वेलकम टू इंग्लैंड मेरे भाई, वेलकम टू इंग्लैंड। मतलब मोहम्मद ने इतनी सारी बातें बताई हैं कि मतलब किन चीज़ों का आप ध्यान रखो, और सबसे बड़ी बात क्या है, जॉब्स कैसे ढूंढनी है, लाइव एग्जांपल है, रुकना नहीं है, कैसे सीवीज लेके जाना है, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, क्योंकि हर जगह आप When you will apply for jobs, आपसे इंग्लिश में पूछेंगे, वो इमिग्रेशन पे आपसे इंग्लिश में पूछेंगे। तो अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने आयल्स दिया, तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, और क्लासेस वगैरह पे फोकस करो, आप क्लासेस रोज अटेंड करते हो ना? क्लासेस तो मैंने जैसे कि मैं बैचलर्स पे हूँ, मेरे लिए तो 9 बजे से सुबह रात के सॉरी 5 बजे तक है शाम में। ओके, मंडे टू फ्राइडे। ओके, पूरे क्लासेस अटेंड भी करता हूँ मैं, बीच में 2-3 घंटे का गैप है बस मुझे। ओके, उसके बाद भाई के पूरे क्लासेस तो मैं अटेंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 80% पढ़ रहा है, 95 होगा परसेंट तो अभी। और एग्जाम्स के लिए उन्होंने बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? मेरा तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया है अभी रिसेंटली, 2-3 weeks, 2-2 days पहले। ओके, अभी मैं लीव से, मेरे तो हॉलीडेज चल रहे हैं, 2 weeks मेरे हॉलीडेज है अभी। ओके, उसके बाद फिर मेरा सेकंड टर्म स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया, देखकर बहुत अच्छा लगा, पहचाना बहुत अच्छा लगा भाई, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। बच्चों को इतनी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि जॉब्स के बारे में बहुत सवाल होते हैं और पूछते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या पूछते हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह फिर से भाई। कोई हैदराबाद से आ रहा है तो बिरयानी ले आना भाई, हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है। चलते हैं शायद बिरयानी वाला भी जाएंगे अभी, अभी तो जैसा रमजान भी स्टार्ट हो गया। अरे हाँ, अब तो मेल्टन रोड पे अच्छी बिरयानी मिलती है। तो ठीक है यार, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोल दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक और शेयर सब्सक्राइब, कमेंट भी करना कि हैदराबादी कैसे बिल्कुल बिरयानी लेके आएंगे एक बार, कभी मिले तो खिलाएंगे आड़ी भाई को हमारे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और मैं इंडिया आऊंगा तो हैदराबाद जाऊंगा तो पक्का खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल,
आपके लिए भी लेकर आऊंगा, जल्दी इंडिया जा रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम मेल्टन रोड जा रहे हैं, बिरयानी खा ले, सबको गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं।